अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए और इस घंटी के आइकन को दबाकर लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक इंडियन घर। आज हम बनाने जा रहे हैं एक और टेस्टी स्टार्टर, चिकन चीज टिक्का। तो आए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। आधा किलो बोनलेस चिकन को हमने ये शेप में काट लिया है। दो बड़े आलू, इसे इस शेप में काट ले। चीज, इसे भी हमने इस शेप में काट लिया है। दो अंडे, एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, तीन से चार हरी मिर्च, इसे बारीक काट ले। नमक स्वाद अनुसार और वुडन स्टिक। आइए बनाना शुरू करें चीज चिकन टिक्का। एक पतीली में डालें चिकन, चिकन के क्यूब्स, फिर इसमें डालें आलू, आलू के क्यूब्स, फिर इसमें डालें अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, और इन सारी चीजों को मिला लें। ये अच्छी तरीके से मिल जाए फिर हम इसे गैस फ्लेम पे रख लेंगे। हमने इसे मीडियम गैस फ्लेम पे रख लिया है। अब हम इसे पकाएंगे। इसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, ये चिकन के पानी में ही पक जाएगा। इसे हम 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे और जब ये चिकन अपना पानी छोड़ने लगेगा फिर हम इसे चेक कर लेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड, चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है और इसमें आलू और चिकन अच्छी तरीके से पक जाएगी। अब इसे खुला पकाए, इसे ढाके ना। इसका पूरा पानी सूखने तक हमें इसे पकाना है। तकरीबन 10 मिनट में इसका पानी अच्छी तरीके से सूख चुका है। अब हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। आलू और चिकन को हमें 95% पकाना है और ये 95% पक चुका है। अब हम इसे स्टिक्स पे लगाएंगे और फिर इसे अंडे में डुबोकर फ्राई करेंगे। इसे हमने थोड़ा ठंडा कर लिया है, अब हम इसे स्टिक्स पे लगाएंगे। स्टिक में डालें चिकन, फिर चीज, फिर आलू, और इसी तरीके से हम सारी स्टिक्स को तैयार कर लेंगे। चिकन, आलू, चीज को हमने स्टिक्स में लगा लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अंडे को हमने फेंट लिया है। अब हम स्टिक्स को अंडे में डिप करेंगे। अच्छी तरीके से डिप करें इसे और फिर एक एक करके इसे फ्राई कर लेंगे। और इसी तरीके से सारी स्टिक्स को डिप करके इसमें फ्राई करें।
ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। स्टिक्स हमने इसमें डाल दिया है, अब हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये अच्छी तरीके से गोल्डन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरीके से बाकी सारी स्टिक्स को फ्राई कर लें। सो फ्रेंड्स, तैयार है चिकन चीज टिक्का। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स।